प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे में काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर बीजेपी उत्साह के साथ तैयारी में जुटी है। बीजेपी द्वारा सभी चौराहों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे उस रोड पर काशी की जनता प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेगी। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से काशीवासियों को योजनाओं की सौगात देंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर, उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं। और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेनली एयरपोर्ट के काम शामिल हैं, हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, PAC के कार्य हैं वो शामिल हैं, जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यहीं साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ BHU और 80 क्षेत्र के जो STP के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है उसका एक नया STP बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी साइट जिसमें LPG सिलेंडर्स की फिलिंग और रिफिलिंग हो पाएगी, वो पूरी साइट एक सेवापुरी में तैयार हो रही है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो कुल मिला के 1500 करोड़ की परियोजनाएँ हैं जो 9 हैं संख्या में। ये सारे कार्यक्रम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में किए जाएंगे। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज पर ही कुछ लोगों को लोन का वितरण भी करेंगे, क्योंकि हमारे करीब 1000 करोड़ से ऊपर के लोन करीब 9000 लोगों को वितरित होने हैं, उसी में से सिंबॉलिक कुछ लोगों को स्टेज पर लोन वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है स्वच्छ दृष्टि और समृद्ध काशी का जो कार्यक्रम है, उसमें जिन भी लोगों के ऑपरेशन चित्रकूट भेज के हुए हैं उनको कुछ लोगों का इंटरेक्शन और स्टेज पे कुछ चश्मा वितरण का भी कार्यक्रम है, ताकि भविष्य में जितने भी लोग हमारे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बचे हैं वाराणसी में वे सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और अपना कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के वाराणसी को कैटरेक्ट मुक्त बनाने में सहयोग करें। इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं, उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। तो कुल मिला के 2 कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। आज SPG आ गई है, उनका ASL रिहर्सल भी आज हो रहा है और सारी तैयारियां जो प्रशासनिक रूप से की जानी थी वो सारी पूरी हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और DGP साहब की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश दिए जा चुके हैं और जो बाकी शहर का सौंदर्यीकरण G20 के लिए चल रहा है उसी को फास्ट कराते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रूट है इन पर कार्य पहले पूरा हो जाए और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आने हैं कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी भी तैयारियां समय से पहले पूरी हो जाए। पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन ने बातचीत करते हुए सुरक्षा बंदोबस्तों की जानकारी दी। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए SPG की टीम भी वाराणसी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री जहां जाएंगे अधिकारी उस जगह का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण व्यवस्था की गई है, हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है, सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, ड्यूटियाँ निर्धारित कर दी गई है, कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी और सभी विभागों के साथ समन्वय है, बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। कितने देर का कार्यक्रम होगा और किन किन चौराहों का चिन्हित किया गया है, स्पेशल क्या आपको व्यवस्था नहीं कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समय से बता दी जाएगी। किन के चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, पूरे रूट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे।